कोई बात नहीं, आप 12:30 बजे 12-1 बजे मेंटेन करो। अरे मैम कोई दिक्कत नहीं बच्चे ठीक है हो गए, अब क्या कर सकते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कितने साल के दोनों ये, इफ माई आस्क? 5 and 3। आप ही के दोनों हैं? ठीक है 5 and 3, अच्छा गैप रखा है आपने। ये निपा निपी क्या समझेंगे ये आपस में डिस्कस कर रहे हैं, ये क्या बात हुई? अभी आप हो जाने दो भाई साहब, जब सास प्रेशर बनाएगी ना रात दिन, नो रिजल्ट ऐसे कहता पैसा बन जाएगा। मैम आपकी तो काफी टाइम हो गया शादी को, आई कैन सेंस मैम आप दिख रहे हो आपकी आपकी शादी हुई होगी, आपके पति ऐसे पकड़ के बैठे हैं आपको। मैं सब मान गया गुड़गांव में ही हो सकता है किसी के साथ भी, पर स्टिल आई एम जस्ट अज्यूमिंग। और दो बच्चे हैं आपके, कोई बात नहीं हम धीरे धीरे चलेंगे, पारिवारिक रहेगा, कोई बात नहीं। मेरे शो में कोई डबल मीनिंग गाली में वैसे भी नहीं देता। मैम इसके सेल निकाल दो ना। मैम डू ऑल्सो वर्क? टीचर? लेक्चर? वही हर औरत टीचर ही होती है, हर औरत जीवन में लेक्चर ही होती है। तो मेरा आपसे सवाल है, फैमिली सवाल है, व्हाट्सएप ग्रुप पे सुबह गुड मॉर्निंग टीचर लिखते हो, क्या लिखते हो आप लोग? सर आपकी जिंदगी कैसे चलती होगी? अब लिखते हो आप? मम्मी कहते हैं अब क्वेश्चन मत तो। आपका घर कितने करोड़ गज में है? आपने कितने प्लॉट जोड़े हुए हैं? आपने ये जो गुरुराम के जयपुर तक जा रहा है वो आप ही का सारा प्लॉट, सारा आपने रह गया सारा घर घर पूछ रहे अब करा डाउन। वाह वाह। हाँ और क्या रहता फिर? अप हो गया, बस अप हो गया। फिर सुबह क्या होता? फिर सुबह क्या रहता है? मैम आप तो लेक्चर तो जाते होंगे, कॉलेज जाते होंगे। सर आप अच्छा कंपनी में काम करते हैं, तो आप जाते हो ऑफिस या घर से ही काम कर रहे हैं? वर्क फ्रॉम होम धोखा है। तुम लोग इतने घटिया लोग हो ना, वर्क फ्रॉम होम में उसकी जिंदगी बर्बाद है जो बेचारा मीटिंग कंडक्ट कर रहा है। इवन उसका मैनेजर खुद नहीं उसको देख रहा सुन रहा। तुम लोग इतने घटिया लोगों की मीटिंग ऑन हुई, झाड़ू घर की चालू, बर्तन मांज रहे बैठ के आराम से, वो बेचारा सब कह रहा है इज एवरीथिंग क्लियर टू यू गाइस? आप झड़ लगाते लगाते या तुम या वाली ऑडियंस हो भाई जिंदगी में, या कर रहे हो उसके साथ में, आराम से ब्रेड में मक्खन लग रहा है, नहा धो के तैयार हो गए आदमी, वो लगे जा रहा है किसी के इज देयर एनी क्वेश्चन? नो। 15-20 मिनट के बाद उसकी आत्मा अंदर से मर जाती है, इतनी कि वो खुद अपने आप में उसका बिलीव मर जाता है, खुद पूछता है एम आई ऑडिबल टू यू गाइस? उसके बाद आप दूसरे से जुड़ा मानते हुए या झूठ है सर ये फालतू का काम कर रहे हो आप। ये एक तो सर आपने चश्मा पहन रखा है, आपकी बेटी ने चश्मा पहन रखा है, ये बहुत सारे चश्मा पहनते हैं, मैं भी चश्मा पहना हुआ है। कब लगा था मैम चश्मा आपको? एट व्हाट एज? 12th? Oh man, this girl is essence. 16. Okay, it's okay. I can tell you, जैसे आपकी 12th खत्म हो, आप सिरी के लिए इंटरव्यू भी दो। आवाज सुनिए आपने, left, left, right, right, right. ब्यूटीफुल मैम, ये होता है मेरे के बच्चे, देख रहा आवाज सुनो आप, ये अच्छा कर रहे हो मैम, अच्छा कर रहे हो आप, वही होता है भाई सब। तुम कभी खेलोगे ना 15-20 प्लॉट तो चलाना पड़ता, तो बोलता मामा कोई बात, क्या बोलते अपनी मम्मी पापा को? पापा मम्मी यही होती है, हम सिंपल लोग यार, देखो मॉम डैड मैम, मॉम डैड आई नीड लाइक कैश, पापा आई विल UPI बेटा, आर यू अप? अरे सर मैम ब्यूटीफुल है मैम, अच्छी बात है मैम, अच्छा लग रहा है जान के ऐसे परिवार भी होता है। हाँ हमने टीवी में देखा था ऐसा परिवार। एक तो मैं गुड़गांव में 3 टांगे देखने नहीं आया था, 3 हाफ पैंट पहन के आ गए। गर्मी बहुत है, मेरी थोड़ी गर्मी है भाई, ये क्या आप किसी तैयारी कर रहे हो? आर्मी की कर रहे हो? एनडी की तैयारी? किसी तैयारी कर रहे हो आप?
आप किसी में तो भाई आपकी जॉ लाइन आई है ऐसे तो नहीं बनाई आप। या आपने आपने ये छोले भटूरे खा के तो नहीं बनाई। फुटबॉल वही कह रहा हूँ, कुछ तो स्पोर्ट्स में आप बोलो। ठीक है, बड़ी बात। आप भी सर, आप कोच लग रहे हैं। फुटबॉल प्लेयर कोच। कोच वो कोच तो आपके आपके चेहरे पे जैसे गंभीरता आई हुई है। कोई बात नहीं, ठीक है। और आप पायलट प्लेन वाले इंडिगो। मैं इस वाले वाले आऊंगा सर। कौन सी एयरलाइंस? कैसा लग रहा है खुले में बैठ के आज? मैं लिख के दे रहा हूँ, वो दिन दूर नहीं जिसमें इंडिगो में ना खड़े होकर जाएंगे पैसेंजर ऐसे ऐसे ऐसे। अरे यही तो करना है आपको, क्या दिक्कत है, खड़े होकर जाओ ना। अल्ट्रा लो कॉस्ट एयरलाइंस क्या बनाया आपने यार ये यार। अच्छा अभी स्टार्ट ही किया आपने, और फुटबॉल भी खेलते हो आप, स्पोर्ट्स कोटा। बच्चा रिच किड्स को नहीं पता होता यार स्पोर्ट्स कोटा, आपको समझ नहीं आएगा ना। समझ, कोटा मतलब राजस्थान वाला पढ़ने वाला नहीं, जहाँ पर आई टी प्रिपरेशन करने जाते हैं वो नहीं। अब कहाँ कहाँ रह रहे हो? गुरुग्राम में? नोएडा में। और नोएडा में एसेंट आ गया? नोएडा में लोग नहीं आ पा रहे? कहाँ कहाँ भेजा आपने इनको? ये एसेंट तो है आपका, एक टोन है आपका, आप हिंदी बोल पाते हैं? तुम बहुत ही बुरे लोग हो यार। बस आप एक बार बोल दो हमारे लिए, मैं तुमसे दुगना लसगा लगान वसूल पड़ेगी। मैं शो ही छोड़ दूंगा यहाँ पे बात। आज आज बोल दो आप, ये बात खत्म करो यार। ये होता भाई प्रोफेसर के बच्चे, देख रहे हो इंग्लिश अलग ही बात कर रहे हैं, हिंदी भी ऐसे बोल रहे, टूटी फूटी। बहुत ही बारिया। ओके, सस्ता नहीं सबसे बारिया। भांग सीमेंट। अच्छा करो आप, अच्छा करो, कोई बात नहीं। हाँ ब्रदर, आपका भी एसेंट है, आप क्या कर रहे हैं वैसे पढ़ाई में? बीटेक करी आपने? बीकॉम ऑनर्स। इसमें ऑनर्स वाली क्या बात है? किस तरह का कोर्स है भाई ये? कोई नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों करा आपने। इसके बाद आपने फिर किस में जॉब कर रहे हो? जॉब मार्केट एजेंसी, लाइक एड्स बनाने वाला या मार्केट रिसर्च? डिजिटल मार्केट। तो घर में रहते हो फिर तो बेसिकली पूरे दिन? नहीं यार, ऑफिस है, प्रॉपर चलते। अच्छा नोएडा में? नहीं नहीं दिल्ली। सर आप लोग रहते कहाँ? आपके सारे प्लॉट का बेटी नोएडा में रह रही है, दिल्ली में जॉब कर रहा है, आपका जयपुर तक प्लॉट है, बीच में थोड़ा सा जगह बनाया उसमें हमने 500 ठेके बनाए, हम खुद सब रह रहे हैं। वाओ अमीर वो राज। मैम आपके गले में कुछ ऐसे चेन वेन है जो कोई जो अच्छा लगे फेंक के मारना मेरे ऊपर? मैं तो मुंडी मार दूंगा, ऐसे कर लूंगा, कोई दिक्कत। ओह माय गॉड, आप लोगों का इतना पैसा है, डू यू आर यू अवेयर ऑफ कि 10 का नोट भी आता है? ओ मैन रिच पीपल, ओ मैन। आपने मैम खाना चबाने के लिए भी बंदे रखे हुए हैं? ओ मैन अमीरी गरीबी पीपल, ओ मैन, ओ मैन। कोई बात नहीं, अच्छा करो तुम, ये जो भी कर रहे हो सबसे सस्ता नहीं पा रिया। कोई बात नहीं। अरे मैं भाई, अब क्या टीटीओ कहाँ के टिकट काटने आए? वो कहाँ है वो पर्ची छिपे छेद करने वाला मशीन, कहाँ है आपकी? बेटा टिकट। ओह मैन, हैव सीन बस? देखो ना, एक आज एक बड़ी सी चीज होती है जिसमें 8-9 टायर्स होते हैं, होते बस बस वो थैंक गॉड, जिसमें आपके पापा कहते बाय बाय बेटा। अब अमीर बच्चों को नहीं पता होता तुम लोग, इस गाइस ने जेलस, थ्रो सम मनी ऑन दैट, सम ऑन मी आल्सो। तुम बहुत बुरे लोग हैं, बता चलो सामान फटाफट बताओ। कौन सा रूट है आपका?
अरे लगने लगा आपको से जब टिकट काट के भी बस लास्ट बस में यही जाएगा जैसे सारे पैसेंजर को यहीं से लेके चलेगा, चलो आ जाओ चलो भाई साहब दिल्ली दर्शन भाई क्या करते हैं पेशे से आप, मतलब टिकट काटने के अलावा? आपकी टिकट भी लिखा टूरिज्म? नहीं 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 लिखा हुआ, लिखा प्लीज प्लीज बता इफ जस्ट इनलाइटन अस की क्या करते हैं आप? डिजिटल मार्केटिंग। ओह माय गॉड, पर वो वाली नहीं कर रहे होगे आप, वो BMW की कर रहे हैं आप, अल्टो की कर रहे होगे यू गाइज ना, कोई बात नहीं, अच्छे इंसान हो भाई, आपकी जॉलन क्या कर रहे हो आप, बहुत ही अच्छा, मतलब अच्छा मेंटेन करो भाई ऐसी जॉलन, मेरी तो अभी आई है बहुत पहले, मैं तो पहले देख रहा हूँ जॉलन, मैं तो ट्रिपल चिन हुआ करता था, ट्रिपल चिन मेरा, मैं तो मैकडी पे गया, मैकडी ने बोला भैया बर्गर, मैंने कहा एक्स्ट्रा चीज तो पूछो, कह रहा आपको नहीं जरूरत है मेरे को बोला हुआ आके भाई, एक तो पता जिस तरह की अब मेरी लुक हो गई है उसमें पता क्या डिसएडवांटेज है, ये लड़कियां समझती हैं लड़कों को, बहुत सूंघ लेती हैं, इस शक्ति को ना अंडर एस्टिमेट किया हमने, इन लड़कियों का ना इनको पता होता है, वो लड़के नहीं दिखते आप मेट्रो में जाते हो, आप एक लड़के को देखते हो जिसको आप देखते हो कि ये सीट दे ही देगा मेरी वाइफ वही है, पता आपको वो जो लड़की नहीं, तुम जो पार्टी के बाहर खड़े होते हो, पार्टी एकदम से किसी लड़के को बोलती हो कि इफ यू डोंट माइंड हमारी सेल्फी खींच दोगे, फोटो ग्रुप फोटो खींच दोगे, मैं वो हूँ अब कल तो लड़की ने डोंट माइंड भी नहीं बोला, कह रहा खींचो ये हालत हो गई है जिंदगी में हमारी, कोई बात नहीं, रोड पे लड़ाई होती दो के बीच में लड़ाई होती है, और अभी देखने में तो हमें सबको मजा आता है, देखो आप समझ तो फील तो वही है, मैं लड़ाई एंजॉय कर रहा हूँ एकदम से, कह रहे भाई साहब आपने देखा, मैंने कहा हाँ मैंने देखा, तो आपने भी देखा ना भाई साहब, मुझे अंपायर बना दिया मैं तो फटाफट कपड़ा निकाला, आंखों में बांधा, मैंने तराजू ले आया, मैंने कहा बताओ अब मैं सॉल्व करूंगा, बताओ इस, मैं हूँ इंसाफ का तराजू भाई साहब, बेटा तराजू पता आपको, तराजू वी विल ट्राई टू हेल्प आउट, ठीक है, अगर आप कभी आप मार्केट से सामान लेने गए हो 1 kg 2 kg या ऐसा यूनिट में लेने जाते हो सामान आप, कभी आप सामान लेने गए हो मार्केट में कहीं, कोई फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, ओके लाइक फ्रूट्स लीटर्स में आते हैं केजीज में आते हैं, फ्रूट्स केजी में आते हैं लीटर्स में आते हैं फ्रूट्स, वेल ब्यूटीफुल, वाह वाह, इनको लगता था आंसर ही नहीं पाओगे तुम, हाँ तो जिसपे वो तौलते हैं तौलना ऐसे हाथ में उठा के नहीं, वो वाह गाइस ऐसे देखते देखते वो, एंड कौन सा ज्यादा भारी होता तो नहीं लेते, कौन सा ज्यादा वेट होता तो नहीं लेते या नहीं देते या लेते लेते देने के, आप काम बेचने थोड़ी जा रहे हो आप, बाकी मैडम जब भी आपका अच्छा लगे चेन फेंकनी है आप मैं ऐसे कैच मैं कर लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 1 तोला 2 तोला 5 तोला कोई टेंशन नहीं है, आपका क्या प्लॉट में क्या होगा, आपकी बाउंड्री कम होगी थोड़ी सी बस, क्या होगा ठीक है मैम अपने चूड़ा, अच्छा आपकी शादी हुई है आपका बच्चा नहीं, मुझे लगा आप चूड़ा पहन के एकदम बच्चा कैसे हो, मैंने भाई आलिया भट्ट तो नहीं हो आप मैम क्या क्या नाम रखे आपने इन दोनों के, मतलब जियांश हाँ अमाया, बहुत ही प्यारा नाम है, बेटा बड़ा है, ओके जियांश, और इनका नाम अमायरा, अमायरा का मतलब Oh my God. ये कितने BHK हैं आपके पास बेटा आपका नाम क्या, राजमाता क्या, मैं राजमाता जी मैं इंतजार कर रहा हूँ चेन का फेंकी हुई औरत, मैं मेरा कोई मन ही नहीं है शोक मैं कि कभी ऐसा मन में आ जाए तो आप सर देखो कर रहा पड़ता है समझ धंधा है देखो सर सर आप भी आप अंगूठी फेंक सकते हो कोई दिक्कत नहीं मुझे मैं से पहन लूंगा नहीं है कि मैं अपना मैनेज कर लूंगा देखो कोई बात नहीं बेटा ठीक है आप ओ माय गॉड बेटा आपका नाम क्या है देख रहो इतने फैन मिले आपको जिंदगी में कभी ये घर जाएंगे पागल हो जाएंगे कह रहे भाई अमीर लड़की देखी मैंने आज जिंदगी में ये पागल है भाई इनके सपनों में इनका सपना था यहाँ दिल्ली आके गुड़गांव आके अमीर लड़की देखी आज देखा इन्होंने देख रहे हो सपना सफल हो गया जीवन सफल हो गया बता आपको कोई दिक्कत नहीं अच्छा कर रहे हो ब्रदर आप क्या कर रहे हो फिर आप
बच्चे में बच्चे तो लड़के ना मतलब माँ बाप के सपनों पे हंसते ही हैं।